सभी तरह की शॉप से मार्केट से 11 से 5 की कंडीशन को विड्रॉ कर लिया गया है। उसी तरह से पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी, क्योंकि हमारा प्रोक्योरमेंट सीजन शुरू हो गया था, फार्मर्स को तेल की जरूरत पड़ रही थी, इसलिए उनको भी हमने कोई कंडीशन के तहत नहीं रखा है। आज सुबह ही MHA के द्वारा अपने ऑर्डर्स को फर्दर क्लेरिफाई किया गया है और उसमें स्पष्ट तौर पर बता दिया गया है कि गांव के अंदर सभी तरह की दुकानें खुली रहेंगी, क्योंकि वहां पर ज़रूरी सामान से संबंधित दुकानें ही हैं, कोई मॉल्स नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, तो वहां पर सभी दुकानें खोलने के आदेश हुए हैं। लेकिन अगर किसी गांव के अंदर मॉल है या कोई कॉम्प्लेक्स है मार्केट टाइप का, तो वो नहीं खुलेगा। इसके अलावा शहर के अंदर सिर्फ स्टैंड अलोन शॉप्स हैं जो किसी पर्टिकुलर कॉलोनी को जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड करवाती हैं, या उनकी नेबरहुड शॉप्स हैं या उस कॉलोनी के अंदर किसी तरह की शॉप्स हैं, सिर्फ वो शॉप्स खुली हुई हैं। कोई क्लियर कट जो मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं वो नहीं खुलेंगे, मल्टी जो हमारे मॉल्स हैं वो नहीं खुलेंगे। तो बड़ी जो मार्केट्स हैं, अगर ये लोग इससे इंप्रेशन लेते हैं कि वो खुलेंगी, तो वो उनको कोई रिलीफ अभी नहीं मिल रहा है। सिर्फ उद्देश्य इतना है कि ज़रूरत की जितनी भी चीज़ें चाहिए होती हैं लोगों को, वो उनकी कॉलोनीज के नज़दीक की जो अकेली या दो चार शॉप्स हैं उनके माध्यम से उनको मिल जाए, जिसके अंदर अलग अलग तरह की सर्विसेज शामिल आप कर सकते हो। ग्रॉसरी शॉप्स हैं, दूध के लिए उससे बनी हुई कोई भी चीज़ है उससे संबंधित हैं, सब्जी से संबंधित हैं, मेडिकल शॉप्स हैं। अब हमारी क्योंकि प्रोक्योरमेंट सीजन शुरू हो गया है, तो फार्मर्स को उनकी मशीनों से संबंधित कोई स्पेयर पार्ट्स की शॉप है वो खुल सकती हैं, इलेक्ट्रिक फैंस हैं उससे संबंधित सर्विसेज हैं वो खुल सकती हैं, प्लम्बिंग का जो काम लोग कर रहे हैं उनको स्पेयर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, उस तरह की शॉप्स खुल सकती हैं। तो ये सब चीज़ें खोली जा सकती हैं, बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्सेस को अभी खोलने के आदेश नहीं दिए गए। कई बाज़ार खुल गए सुबह, सही, कई बाज़ार खुल गए, कपड़े की दुकान थी और भी स्टेशनरी की दुकानें थी, तमाम बाज़ार खुल गए, तो इनको अब बंद किया जाएगा क्या? निश्चित तौर पर मार्केट कॉम्प्लेक्स में अगर शॉप्स खुली हैं तो उनको बंद रखने के ही आदेश दिए गए हैं। जो क्लेरिफिकेशन आई थी उसके आधार पर मैंने दोबारा से आदेश इसमें कर दिए हैं और उसी के आधार पर ये शॉप्स को खोलने और बंद करने का निर्णय होगा, उसमें कहीं कोई कंफ्यूज नहीं है। जैसे भंडार जो मार्केट है, क्योंकि वो नेबरिंग है, नेबरहुड में है, तो वहाँ से बहुत सारी वो खुलेंगे नहीं। सिर्फ जो ऑलरेडी जिनको परमिशन थी असेंशियल सर्विसेज के तहत जो आ रही थी, सिर्फ वही शॉप्स खुलेंगी उसके अंदर, बाकी कोई रिलैक्सेशन मार्केट कॉम्प्लेक्सेस को नहीं दिया गया। जैसे कि पेट्रोल पंप को लेके भी एक पहले गाइडलाइन थी कि सुबह 5 बजे 11 से 5 ही थे, तो उसमें भी कोई रिलैक्सेशन किया गया? सभी तरह की शॉप्स के ऊपर 11 से 5 की कंडीशन डाली गई थी, उसी तरह से पेट्रोल पंप एसोसिएशन के कहने पर उन लोगों को भी 11 से 5 की परमिशन दी गई थी। अब सभी तरह की शॉप से मार्केट से 11 से 5 की कंडीशन को विड्रॉ कर लिया गया है, उसी तरह से पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी, क्योंकि हमारा प्रोक्योरमेंट सीजन शुरू हो गया था, फार्मर्स को तेल की ज़रूरत पड़ रही थी, इसलिए उनको भी हमने कोई कंडीशन के तहत नहीं रखा है, वो पूरे टाइम खुले रख सकते हैं। कंटेनमेंट इलाकों को लेकर कोई खास अलग से कोई पॉलिसी है? जो ये आदेश आए हैं और आज जो हमने ऑर्डर्स किए हैं उनके अंदर स्पष्ट तौर पर ये लिखा गया है कि कोई भी इन एक्टिविटीज़ को कंटेनमेंट जोन के अंदर हम नहीं करेंगे। कंटेनमेंट जोन्स के अंदर इस तरह की कोई आदेश जब तक कोई इससे जोन से बाहर नहीं आता है तब तक लागू नहीं होंगे। सर, मीट मछली दुकानें खोलने का ऑर्डर पहले दिया जा चुका है, लेकिन शहर में ऐसे दुकानदार हैं मीट मछली के जिनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, क्या उनके लिए क्या आदेश रहेंगे? कोई भी लाइसेंस है या नहीं है, वो खोल पाता है दुकान कानूनन या नहीं खोल पाता है, ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के अधीन आता है, और अगर वो इलीगल तरीके से चलाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। जहाँ तक मीट और फिशेज और बाकी चीज़ों की बिक्री का सवाल है, उसके अंदर छूट प्रदान कर दी गई। ये पंचायतें जो काम कर रही हैं कोरोना से लड़ाई के लिए, पर उनके लिए कुछ खास कुछ व्यवस्था की गई है क्या? जो पंचायतें काम कर रही हैं, पंचायतें जिनके पास में अपने रिसोर्सेज हैं, उन सब को सरकार के द्वारा अधिकृत कर दिया गया है कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल कर सकती हैं। इसके अलावा सैनिटाइज करने के लिए भी सभी पंचायतों को सरकार की तरफ से पैसा मुहैया करवाया गया है, और भी किसी भी तरह की ज़रूरत अगर पंचायत को होती है तो वो जरूरत के हिसाब से उनको मदद प्रोवाइड की जाएगी। सर, जो भी मार्केट दुकान खोलने के आदेश दिए गए हैं, क्या क्या बातों का ध्यान रखने के आदेश दिए उन्हें? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आज के दिन अगर है तो वो सोशल डिस्टेंसिंग है। किसी भी जगह पर भीड़ नहीं हो,
कोई भी व्यक्ति एक दूसरे के संपर्क में नहीं आए, इस बात को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों की अनुमति दी गई है। अभी भी मार्केट प्लेसेस के अंदर सिर्फ स्टैंड अलोन शॉप्स को या नेबरहुड शॉप्स को ही परमिशन दी गई है। इसका मतलब यह है कि बड़े मार्केट कॉम्प्लेक्सेस को अभी हम नहीं खोलेंगे। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।